बढ़िया प्रॉपर हिटिंग करेंगे। टेस्टेड अप टिल 155 किलोमीटर। ये गगन को मेरी तरफ से गिफ्ट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ क्रिकेट। कार्डियो की आदत हो चुकी है गगन सामन। आज भाई हम जा रहे हैं एक प्रैक्टिस सेशन करने बॉलिंग मशीन पे। सिर्फ और सिर्फ 6 हिटिंग स्पेसिफिक ड्रिल्स में करने वाला हूँ। तो भाई आज के ब्लॉग में ये सारी चीजें होने वाली है और भी मेहनत करनी है हमें अपनी 6 सेटिंग एबिलिटी पे, फास्ट बॉलर्स पे, स्पिनर्स पे। तो जो भी सारी ड्रिल्स है, जो भी सारी चीज़ हम करने वाले हैं, वो जाके मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। बाकी भाई अभी कमरा थोड़ा ऐसा फैला हुआ है, ये मैंने कपड़े सुखा रखे हैं भाई, ये मेरा ग्रीन स्क्रीन एक स्टैंड बन चुका है। और किट विट अभी मैं निकाल रहा हूँ और किट को पैक करेंगे। अभी निकलूंगा तो पहुंच जाऊंगा टाइम से, और यश भी आने वाला है, अस्तित्व भी आने वाला है। तो ओवरऑल बहुत मजे आने वाले हैं एंड होपिंग फॉर द बेस्ट कि बढ़िया सेशन रहे। और ये सेशन स्पेसिफिकली भाई हमारा फाइनल मैच हारा है एक टूर्नामेंट का, तो उस टूर्नामेंट मैच के लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिस हो रही है, वो फाइनल हमें उठाना है। सीधा आप सभी को जाके मिलूंगा बॉलिंग मशीन पे। बॉलिंग मशीन हमारे वहां पे है जहां पे हमारी जो हमारी लास्ट एकेडमी थी, हमारी वहीं पे एकेडमी होती थी और वहीं पे बॉलिंग मशीन भी बनी है। A few moments later, भाई आ चुके हैं यहाँ पे। आपका भाई प्रैक्टिस करा करता था। नेट्स नजर आ रहे होंगे, ये नेट्स पहले यहाँ पे हुआ करते थे और अब यहाँ पे खुल चुका है बॉलिंग मशीन का एरिया। ये देखो, ये अंदर जाके आप सभी को दिखाएंगे। और भाई के क्या हाल है। बढ़िया भाई, बढ़िया। नॉस्टैल्जिया भाई, यही खेला है हमने तो भाई, मतलब मोस्ट क्रिकेट जो हमने खेली है सबसे ज्यादा राइडर्स अजंता स्कूल के बाद यहाँ खेली है। एक ग्राउंड दूसरा वहाँ पे है और तीसरा और ग्राउंड पीछे होता था, वो अब खत्म ही कर दिया। वो राउंड ऐसे मारते थे फिटनेस के, तीनों ग्राउंड के कम्बाइन, ये यहाँ से जाके वो पूरा पूरा भाई तीनों राउंड के चक्कर मारा करते थे। तो अब चलते हैं बॉलिंग मशीन का दिखाते हैं। यश का वेट कर रहे हैं फिलहाल, फिर चलेंगे बॉलिंग मशीन पे। आज 6 हिटिंग ड्रिल्स करने वाले हैं हम। मैं तो वैसे भी 6 ही करता हूं, इसका तो गेम ही 6 हिटिंग वाला है। ये देखो भाई हमारा पेंच हिटर। आपके भाई ने कर लिया पैड। ये रहा हमारा सारा सामान। हाँ भाई, के क्या हाल है। बढ़िया हाल है भाई। और बताओ गाइस, कैसा लग रहा हूं मैं भाई। टेस्ट मैच में तुमने जो करा है ना भाई, सही बताऊं, इतना सही बॉल दिख रही थी मेरे को, फुटबॉल दिखने लगी थी। वो आया वो फुटबॉल जैसे ही लगी थी। एक आया ऑफ स्पिनर, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा हूं, ठीक है, 4-5 रन है और बॉलें खेल चुका हूं 20-25। ऑफ स्पिनर आया, पहली बॉल छोटी पिकअप करा, बहुत सही चौका मारा। फिर उसने दो बॉल फेंकी, डिफेंस डिफेंस, फिर उसने फेंक दी एक बीमर। मैंने क्यों मारा, अबे डीआरएस था भाई, डीआरएस था भाई, डीआरएस भी ले सकता था, बट पता नहीं कहाँ दिमाग था भाई साहब का, इतना याद नहीं रहता ना, इतना याद नहीं था भाई। डीआरएस पहली बार हो रहा है तो ध्यान नहीं रहा ये कुछ भी है। फिर मैं 30 yard मैंने क्रॉस कर दिया, बाद में मेरे को रिलाइज हुआ यार ये तो नो बॉल थी। मैंने जाके बोला भी कि एम्पायर एक बार चेक करवा ले, नो बॉल है 15 सेकंड वो ठीक है, वो खत्म, वो रिव्यू नहीं है ना, रिव्यू मैं ले ही नहीं रहा उस चीज का। एम्पायर तो चेक करा सकता है बाउंड्री के पार जाने से पहले या प्लेयर अंदर आने से पहले, वो तो अगर एम्पायर डिस्कशन कर रहे हो तो एम्पायर ने, एम्पायर हमारी टीम का एम्पायर इतना क्या बोलूं, गाली दे नहीं सकता मैं इस ब्लॉग पे भाई। मैं तो टेस्ट मैच नहीं खेल पाया यार, बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। बट अब चलते हैं प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे मैं ड्रॉप डाउन ड्रिल्स कर रहा हूँ पहले, इतना अस्तित्व तो भाई खेल रहा है, तो उसके बाद हम जाएंगे बॉलिंग मशीन में। अभी यहाँ पे ड्रॉप डाउन ड्रिल्स कर रहा हूँ बस। तो भाई 5 ओवर का, ओए रुक जा क्या बात चल रही है। 5 ओवर हो गए हैं अभी बॉलिंग मशीन। यार थोड़ा सा ये जब बॉल नीचे टकरा के आती है ना, उसमें से मैं दिखाऊंगा आपको बॉल कैसे डिलीवर होती है, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बट ठीक है, ये आपके बैट फ्लो के लिए अच्छी है बॉलिंग मशीन। 5 ओवर अभी और बचे हैं, तो उसमें बढ़िया प्रॉपर हिटिंग करेंगे। यहाँ से आपका भाई बैटिंग कर रहा है, बॉल वहां से हो रही है, यहाँ पे बॉल्स फीड कर देते हैं। ये रही बॉल,
तो ये वो बॉल जब यहाँ से नीचे ऐसे टकरा के इसमें से निकलती है ना, कभी कभी ऐसे ऐसे होके आती है, उसमें थोड़ी दिक्कत रहती है, बाकी सब बिल्कुल बढ़िया है। भैया हेलो कर दो। हेलो, भैया का नाम क्या है? शिवराम। शिवराम भैया का नाम है। भाई बॉलिंग मशीन में हमने कर लिया प्रैक्टिस, अब ड्रॉप डाउन कॉस्को की ड्रिल्स कर रहा हूँ, तो ये भी आप अपने ट्रेनिंग सेशन में ऐड कर सकते हो सिक्सेस के लिए, स्टेप आउट सिक्सेस के लिए बहुत अच्छी हेल्प करेगी आपको। चलता हूँ ड्रिल दिखाता हूँ। ये देख लो भाई निकल गई, निकल गई, ओ ये वहां जाके गिरी है। तो भाई यू जस्ट डन विद द प्रैक्टिस, और यहाँ पे हमने बॉलिंग मशीन से प्रैक्टिस करी, बाद में जो आपने ड्रॉप डाउन सिक्सेस की प्रैक्टिस देखी वो यहाँ पे करी, ये सारा सामान वामान पैक करना है और मीट केयूर सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इसके बारे में कुछ डिटेल्स हमें बता दीजिए। श्योर गगन, पे एंड प्ले का एक मॉडल है जो सेक्टर 64 में है, अरबाना M3M के एग्जैक्टली सामने, पावर प्ले करके ग्राउंड है, इसके कंपाउंड में ही है। आप आराम से द पिच गुड़गांव डालेंगे तो आपको गूगल मैप में भी मिल जाएगा। जिस मशीन पे आप लोग खेल रहे हैं ये हमारा खुद का ही प्रोडक्शन है। ये जो मशीन है ये सर की क्या आपकी मतलब कुछ? हमारी खुद ही की मैन्युफैक्चरिंग है। ओके, ग्रेट। तो आपको जान के बहुत अच्छा लगेगा कि 100% मेक इन इंडिया मशीन है। मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया 100%। ओ ग्रेट। और इवन इंडियन टीम अब इस पर प्रैक्टिस कर रही है। ओह फैंटास्टिक। इट हैज बीन इंस्टॉल्ड एट अरुण जेटली स्टेडियम। मतलब आप अगर पैशनेट है या सीरियस है या एक्चुअल फील लेना चाहते हैं इंटरनेशनल एक ग्राउंड की स्टेडियम की, तो प्लीज आइए। बिल्कुल, मैं सर के पास पहले सेक्टर 57 में था ना, 57 में भी जाता था, वो थोड़ी कॉम्पैक्ट सी जगह थी, यहाँ पे बढ़िया खुली जगह है बिल्कुल, यहाँ पे आप बॉलिंग मशीन कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन ड्रिल सिंथेटिक, और ये बन रहा है क्रिकेट के लिए भी, हमने बॉक्स क्रिकेट के लिए वो भी एड ऑन किया, ग्राउंड आप देख सकते हैं, ग्राउंड भी है, ग्राउंड भी यहाँ पे। तो हम प्रैक्टिस ही करते थे, जो भी हमारे ब्लॉग पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा ये हमारी द्रोण एकेडमी होती थी यहाँ पे, और यहीं पे हमारे नेट्स होते थे बट वो बाद में बंद हो गए थे। बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं यार, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो अभी इन्हें चेकआउट करते हैं। और सर बताइए, हमारी जो फैक्ट्री है वो है मेरठ में, और हम बहुत सारी इनोवेटिव चीजें बना रहे हैं। कूलिंग टॉवल तो आप यूज कर ही रहे हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कूलिंग कैप भी आप हमारी यूज कर रहे हो। हम वर्ल्ड के लाइटेस्ट पैड्स बना रहे हैं, पैड जो है
आप देखोगे हॉलमार्क के साथ आते हैं, दीज आर टेस्टेड अप टिल 155 किलोमीटर्स, टो से लेके ऊपर तक बिल्कुल इम्पैक्ट फ्री है। इनफैक्ट हमने यहाँ बीच में जेल टेक्नोलॉजी दे रखी है, जब बैट्समैन बैट के स्वीप मारता है तो उसकी पटेला बॉम पे इम्पैक्ट ना आए, उसके लिए यहाँ पर हमने स्पेशल जेल पैडिंग भी दे रखी है। आपने देखा होगा आज की डेट में कॉर्पोरेट क्रिकेट में लोग इसके ऊपर थैली टाइप कवर चढ़ा के कलर चेंज करते हैं, कवर टाइप हो गया, तो हमने इसकी कफ शीट ही निकाल दी पूरी, जो पैड पे लगने के बाद बिल्कुल आपको पैड का शेप देगी, पता भी नहीं चलेगा कि आपने पैड का कलर चेंज कर लिया। ये सारे कलर्स में अपने पास गगन अवेलेबल है, वो ये कि पैड लेके आप आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कलर कर, सीटें बदलते रहो। फुल फॉर्म क्या है इसकी? SNS स्विंग एंड स्पिन, स्विंग एंड स्पिन। ओके, ये वो कोटिंग है जो कुकाबुरा की बॉल के ऊपर आ रही है। ये हमने इसको लैब टेस्ट कराया था कुकाबुरा की 12,000 रुपए की बॉल को। ये PU सेल्यूलोस नाइट्रेट पिगमेंटेड है, मतलब इसकी जो कवरिंग है वो आप बता रहे हो कुकाबुरा की जो टेस्टिंग हुई है और वो सब, वो ये मैं आपको टेस्ट सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ। और इसकी क्या कॉस्ट है? ये बहुत सस्ते दाम में आप ले सकते हो, 850 रुपए में मात्र 12,000 रुपए वाली बॉल ले सकते हो। यूज करके देखेंगे गाइस इन्हें एक मैच के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये गगन को मेरी तरफ से गिफ्ट है, मैं चाहता हूँ कि गगन का रिव्यू आए। जेन्युइन, देखो जेन्युइन लिखा हुआ है, जेन्युइन रिव्यू देंगे। बिल्कुल बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू देना, या तो आप हमारी बॉल के कपड़े फाड़ना या शाबाशी देना। और एक नहीं, मैं आपको दो बॉल दूंगा, एक खो सकती है। और भैया ने कुछ हमें गुडीज दी हैं, इनको यूज करेंगे भाई। थाई है, बहुत ही लाइट थाई है। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे हमने प्रैक्टिस करी और भैया ने बहुत सारी नई चीजें टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया। थैंक यू सो मच, और आते रहेंगे मैम। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय, सी यू। लो भाई, नाइट मैच चल रहा है यहाँ पे। पहले तो लाइट्स वाइट्स होती नहीं थी, बट अब लाइट्स लगा दी गई है। ओए भाई, सेप्स कहाँ है? मेरे कहाँ? ये रे यार, कहाँ? अच्छा, ये तो भाई आज का व्लॉग यहीं पे हम खत्म करते हैं। प्रैक्टिस सेशन मजे आ गए भाई, और कुछ आपने बहुत टाइम बाद हमारी प्रैक्टिस देखी और हमारी बैटिंग देखी, कैसा लगा? कोई चेंज? हाँ बिल्कुल चेंज। आप क्या चेंज? बैटिंग पूरी चेंज कर रहे हो, एक जो टेस्ट वाली बैटिंग, मतलब जो ODI वाली ADS वाली बैटिंग आप T20 में स्विच कर रहे हो। तो अभी फिलहाल क्या चेंज मैं लेके आ रहा हूँ भाई, थोड़ा सा मैं ज्यादा अटैकिंग खेलने जाऊंगा जो भी मेरे सारे मैचेस रहेंगे। अब मैं कोशिश करूंगा एटलीस्ट 125-130 की स्ट्राइक रेट लेके चलूं, और इससे देखते हैं बैटिंग में, मतलब बैटिंग मेरी ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। अगर नीचे आएगी तो भाई हम वही जो हमारी पहले बैटिंग होती आई है हम उसी को मेंटेन रखेंगे, उसी पे काम करेंगे। और हिटिंग छक्कों की ड्रिल्स हमने करी, आपको कैसी लगी और आप कौन सी ड्रिल करते हो वो जरूर कॉमेंट करके बताना। बाकी अब आप सभी को मिलेंगे नए ब्लॉग में नए प्रैक्टिस सेशन के साथ, और मिलते रहेंगे। इस वाले चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, जो भी सारे मैच व्लॉग है क्रिकेट कार्डियो वाले चैनल पे देख लेना। फाइनल का व्लॉग आने वाला होगा या फिर आ चुका होगा, हम जीते हैं हारे हैं वो जाके देख लेना उस वाले चैनल पे। बाकी मिलेंगे जल्दी, जय हिंद, नमस्कार, बाय बाय।